आप घोड़ी जा रही है रितेश भाई, घोड़ी कब चढ़ रहे हो? जल्दी, इसको तो ठीक नहीं बोल सकते। अपन कम से कम 10 किलोमीटर आए, वो तो सही थी ना? 10 किलोमीटर आई नहीं, 1-2 किलोमीटर मुश्किल से आए। निशांत भैया कह रहे थे इस रोड की और पता नहीं किस बीजेपी नेता की तारीफ कर रहे थे, और जैसे बीजेपी नेता की तारीफ अच्छे से हुई, रोड खराब। सुनने में आया कि लोसल बड़ी सिटी है, भैया कह रहे थे राजस्थान की इतनी बड़ी सिटी है तुमको नहीं पता? मैंने तो नाम ही पहली बार सुना, सच बता रहा हूँ। वो जो सड़क है ना, वो जाती है लोसल। और हम तो जैसे आपको पता है चाय पीते ही नहीं है, तो पीने किस लिए है, काले हो जाते हैं ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अभी मैं जा रहा हूँ सीकर से आगे लक्ष्मणगढ़ है वहाँ पे, और वहाँ से मैं 1-2 लोगों के साथ आगे जाऊँगा। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? अभी हम रुके हैं सीकर बाईपास के ऊपर, एक होटल है वहाँ पे, और यहाँ पे पहले मैं रुका था जब सुनील भैया के साथ आया था ना मैं जयपुर, पहले तब तो मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करता था, तब आया था तब जिस होटल पे रुका, उसके बाद आज रुका हूँ मैं, मतलब 2 साल बाद, लॉकडाउन में 2-3 साल बाद। अभी बस खड़ी है, अभी सब नाश्ता वगैरह कर रहे हैं क्योंकि सुबह जल्दी आए थे ना। पता है पिछली बार जब हम इस होटल पे आए थे, मैं, नेहा भाभी जी, सुनील भैया, सूर्यांश, उस टाइम मैंने ये अंकल चिप्स खाए थे यहाँ पे, और आज मैं यही चिप्स खा रहा हूँ। मतलब पहले तो मैं कुछ खाने का मन नहीं था, फिर मेरे को याद आया कि मैंने उस टाइम अंकल चिप्स खाए थे तो आज खा लेता हूँ। पता है ऐसे बहुत सारे होटल होते हैं, बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे हम रुकते हैं, करते हैं और निकल जाते हैं रास्तों से, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं किसी के साथ आए, हम रुके, यहाँ मैं अकेला भी होता हूँ, राइड करता हूँ, और एक जगह हम रुके, उसके बाद दोबारा हम वहाँ से निकलते हैं या हम वहाँ पे दोबारा रुकते हैं, तब ये ज़रूर मन में आता है कि यार यहाँ पे तो अपने रुके थे ना, तब आगे से निकल जाता तो इतना नहीं होता, अब रुक गया तो हाँ याद आ गया भाई उस टाइम रुके थे। ये आपके साथ भी होता होगा बहुत बार। मेरे एक ना 2-3 दिनों से मैंने सोच रहा था कहीं आगरा वगैरह ऐसे घूमने चला जाऊं, तो वहाँ पे मन के अंदर आ रहे थे कुछ चीज़ें कि बाइक से जाऊं, बस से जाऊं, कैसे जाऊं, तो मेरे को भाई क्लियर हो गया कि बाइक से जाओ ज़्यादा सस्ता पड़ता है, अपना कंफर्ट जोन रहता है, जब जहाँ चाहो रुको, जिस टाइम चलो, बस के अंदर अगलों के हिसाब से चलना पड़ता है, वो पॉसिबल नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम से हम अपनी बाइक से ही आना जाना करेंगे। बस तो भाई महंगी पड़ती है। क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह अगर सिर्फ जाना हो तो बस सस्ती पड़ती है, लेकिन जहाँ पे घूमना भी हो, इधर उधर जाना हो, तो फिर महंगा पड़ता है भाई, ऑटो वाला किराया और वो तो बहुत महंगा पड़ता है। अभी भाई बैठे हैं यहाँ पे, निशांत औरों का वेट कर रहे हैं, निशांत सर हैं, एक बार आप उनको मिल भी चुके हो केशव आनंद स्कूल वाली वीडियो में। टोल बचाने के लिए यहाँ से ऑफ रोडिंग कर रहे हैं हम, थोड़ी सी मतलब गाँव के अंदर से जा रहे हैं हम, गलत आ चुके हैं, निशांत भी आ गए हैं पूछने के लिए ताई जी से कि रास्ता सही है गलत, मेरे ख्याल से तो गलत ही है। टोल से बचने के लिए हम इधर घूम के आए, जितने रुपए टोल में लगने थे उससे ज़्यादा रुपए का तो पेट्रोल जला दिया, अब फाइनली जाके ऑफ रोडिंग, फुल ऑफ रोडिंग करने के बाद अभी मेन रोड पर आए हैं। अभी यहाँ से कुचामन बचा है 35 किलोमीटर, और इधर जो हमारे साथ भैया है निशांत भैया, उनको चाय पीनी है तो चाय पीने के लिए रुके हैं, और हम तो जैसे आपको पता है चाय पीते ही नहीं है, तो पीनी किस लिए है, काले हो जाते हैं ना। ऐसे बचपन में मम्मी बोलते थे कि चाय पियोगे काले हो जाओगे, लेकिन फिर पता चला कि चाय नशा है। अब जैसे इनको चाय की तलब लगी तो चाय पी रहे हैं, हम तो कुछ नहीं पी रहे। ऐसे रोड के बीच में कभी घूमते घामते ऐसे रुकते हुए चाय पीते, उसका नज़ारा अलग ही होता है, और हम थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर रहे हैं अभी। वो जो सड़क है ना, वो जाती है लोसल। सुनने में आया कि लोसल बड़ी सिटी है, भैया कह रहे थे राजस्थान की इतनी बड़ी सिटी है तुमको नहीं पता? मैंने तो नाम ही पहली बार सुना, सच बता रहा हूँ। लोसल बड़ा अजीब सा नाम लग रहा है मेरे को, पता नहीं पहली बार सुना इसलिए।
अभी इधर कुचामन सिटी के अंदर पहुंचे हैं और भैया जो आए थे जिस काम के लिए वो गए हैं अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेने और वहां से लेंगे फिर अजमेर जाएंगे वहां पे जमा करवाएंगे। अभी पहले अजमेर जाना था अब वो शायद कैंसिल हो गया क्योंकि जिस काम के लिए आए थे यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर वो हुआ नहीं है तो अजमेर जाना कैंसिल। भाभी जी कह रहे हैं पूरा कैंसिल नहीं अभी कुछ उम्मीदें हैं। निशांत भैया क्या जीप को पीछे कर रहे थे कार को और पीछे एक स्कूल वालों का ऐसे बोर्ड वगैरह लगा होता है उसको ठोक दिया मतलब वो गिर गया नकली सा था थोड़ी सी टच हुई और वो गिरी। अब वो बोल रहे थे कि हमारा तो सही करवा के जाओ भाई ऐसे नहीं चलने देंगे काम। अभी अंदर गए हैं बात करने पहले तो काम हो जाए उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हो गया सही ये रहे निशांत भाई ये सही भी कर दिया भाई देखो दो मिनट के अंदर अंदर ये बोर्ड था जो गिर गया था। कुचामन सिटी के अंदर सड़कें इतनी ज्यादा खराब है इतनी ज्यादा खराब है कि पूछो ही मत। ये जो कुचामन सिटी है इसको शिक्षा की नगरी कहते हैं और यहाँ की शिक्षा ट्रैफिक के मामले में तो मतलब कुचामन के अंदर आओ ना अपने एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जब एंटर करते हो ना तो सोच समझ के करना मेरे दोस्त बहुत चक्कर कटवाते हैं। भाई परेशान हो चुके ये भाई परेशान हो चुके जो पीछे एक और भाई है वो भी परेशान हो चुके माइग्रेशन का डॉक्यूमेंट का चक्कर चल रहा है हमें नहीं पता। अभी यहाँ से जा रहे हैं मकराना यहाँ का काम हो गया मतलब कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे तो मकराना जाएंगे और वहाँ से जाएंगे अजमेर। निशांत भैया कह रहे थे इस रोड की और पता नहीं किस बीजेपी नेता की तारीफ कर रहे थे और जैसे बीजेपी नेता की तारीफ अच्छे से हुई रोड खराब। भाई क्या माने तारीफ कर रहे थे या उसको टोंट मार के बुराइयां कर रहे हो आप? अरे यार क्या करें क्या बीजेपी नेता की बुराई कर रहे हो? अरे यार आप बता रहे थे हाईवे है मक्खन है हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उतार दो क्या यही उतारे इसको तो ठीक नहीं बोल सकते। अपन कम से कम 10 किलोमीटर आए वो तो सही थी ना। 10 किलोमीटर आए नहीं 1-2 किलोमीटर मुश्किल से आए। भाई जितनी सड़क की तारीफ सुन रहा था मैं सोच रहा था कि अच्छी सड़क है भाई तारीफ की पिछली बार आए तो ऐसा था अब आए हैं तो वाह मकान जेट उतार दो। यार कहाँ जेट उतार दो यहाँ जेट उतार दो कौन सा प्लेन उतरेगा यहाँ पे आप ही बताओ हमारी गाड़ी तो चल नहीं रही है और जेट उतार दो। यार क्या मैं बात करूँ यार गजब सामने आ रहा क्रेटा देखो क्रेटा चल ही नहीं रही है बेचारी स्कॉर्पियो चल रही है चल रही है क्या नेक्स्ट लेवल रोड चल रही है। We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. ट्रक वाला ऑटो के अंदर ठोक देता अभी भाई बेचारा पूरा पूरा बचा है। ने भी पूछ के खाए और वो इतनी तेज ने उसमें मिर्च डली हुई थी कि तसल्लिया करा दी कानों में से धुएं निकलवा दिए। निशान भाई इधर जैकेट वगैरह देख रहे हैं और हमें तो लेनी नहीं है कुछ हम तो मुसाफिर राहों के अभी यहाँ से चलेंगे अजमेर के लिए। हम अभी अजमेर की जगह पुष्कर जा रहे हैं और पुष्कर पहुँचने में अभी 1 घंटे के आसपास हो सकता है 1.5 घंटा भी लग जाए। 35 किलोमीटर बता रहे तो 35 किलोमीटर का 1 घंटा मान लो आप। सुबह से निशांत भाई ड्राइव कर रहे हैं क्या करें आप तो चलाते हम नहीं चलाते। लोग जब ड्राइव करते हैं लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो गाने सुनते हैं यहाँ पे आज हम मेरी बात सुन रहे हैं कहीं पता चले मेरी वीडियो का मेरे को कॉपीराइट मिल गया। तो ये कश्मीर का बाजार है श्रीनगर का तो आज सुबह घबरा देते हैं कि सुबह हमारा कैमरा वगैरह ऑफ हो गया। तो इधर मेरी वीडियो चल रही है हम मेरी सुरीली आवाज़ सुन रहे हैं तुम ये वाला व्लॉग देखो और यहाँ पे मेरी सुरीली आवाज़ सुनो। फाइनली हम पुष्कर के अंदर पहुँच चुके हैं अभी हमने होटल भी लिया है पुष्कर पहुँच चुके हैं और अभी इधर एंट्री करवा रहे हैं अभी और हम जाएंगे अभी रूम के अंदर। निशांत भाई और मैं आ चुके हैं इस रूम में ये हमारा रूम है और अब हम इस रूम के अंदर ढंग से सोएंगे रेस्ट करेंगे सुबह पुष्कर घूमेंगे और हमने बहुत आज एंजॉय किया इन्होंने फुल गाड़ी चलाई है मैंने बहुत एंजॉय किया है। उधर लट्टू को देखो कैसे कर रहे हैं मास्क लिया हूं उधर बंद होने के बाद भी पूरा जल रहा है और ये देख क्यों कर रहा है भूत है क्या उसमें गाइस देखो आप घोड़ी जा रही है रितेश भाई घोड़ी कब चढ़ रहे हो
जल्दी कब? फिर भी जल्द का मतलब एक महीने या दो महीने कितने नहीं, कितने नहीं, ऐसे जब घर वाले चाहेंगे तभी। घर वाले चाहेंगे हाँ, तो हम अपने माँ बाप के बिना कुछ नहीं करते। क्यों? उनकी परमिशन। हाँ तो बोलेंगे तभी। हाँ तो इनके जो पेरेंट्स सुन रहे हैं या तो आप एक इन चीज का जरूर ध्यान देना कि अभी आप समझ रहे हो ना। हाँ समझ जाओ, टाइम है। समझ रहे हो ना? नहीं बहुत टाइम इतना आप समझ रहे हो क्यों भाई? अभी अभी क्या है कि अभी बहुत टाइम है इस चीज में, बहुत टाइम है।